तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो हम जा रहे ट्रैकिंग में ऊपर मंदिर में। तो आंटी, आपको कैसे लग रहा है चढ़ाई में चढ़ते वक्त? सब खुल गई, कैसी लगी? तो आज हम सब है ऊपर को चढ़ाई। आंटी, आज हमें कहाँ ले जा रहे हो आप? जंगल की तरफ? जो हाँ, जंगल की तरफ ऊपर हरजू का मंदिर है और क्या कहते हैं, स्कूल है, गुरुकुल। क्या स्कूल है ये? कुलुगैर का। कुलुगैर जंगल का रास्ता है। जंगलों के बीच से होते जा रहे हैं। जंगल के बीच होते हैं और चढ़ाई बहुत है। जाने आए मंदिर, शायद ऊपर मंदिर, इसलिए हम जा रहे हैं। और कितनी हाइट में आ गए हम? दैट कौन है वो? आप हमारे रियाज़ गेंदे के फूल है, हाजिर के है। मिक्स हो गए, ऐसे फूल बनते हैं अलग अलग ग्रेड। ओह माय गॉड, वाओ! ऐसा कभी देखा होगा आपने? कभी नहीं देखा तो कहाँ ना कोसानी, हमारे घर में आना। हाउस नंबर 04 जनरल स्टोर। तो ये चढ़ाई है यहाँ पर से बहुत ऊपर और जाना है। और हमारा मेन ब्लॉगर तो पीछे रह गया, गप्पे मारते हुए यहाँ के लोगों से, पुराने मित्रों से, अपने पुराने मित्रों के साथ। तो हिम्स भाई, आपको कैसा लग रहा है अपने गांव आके? बहुत ही बढ़िया टनाटन ब्रो। तो हमारे दर्शकों से फिर से मिलके कैसा लग रहा है आपको? हाँ दर्शकों, आपको मुझसे फिर से मिलके कैसा लग रहा है? वो तो मजे, वो तो बहुत खुश हो रहे हैं। क्या मुझे देख के आप खुश हो? बहुत। तो और अपने दोस्तों को भी खुश करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और देखिए हमारी वीडियो पूरी पूरी और भात के साथ। पूरी और भात। सुबह सुबह की धूप निकल रही है और हम ऐसे रास्ते में ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। ऊपर काफ़ी देर से चल रहे हैं, 500 मीटर तो चढ़ी गए होंगे तब से। ये देखिए रास्ते, दिखाता हूँ बैक कैमरे से। रास्ता कहाँ है? यही तो रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं। परसों में आया हूँ जाकर में। अच्छा ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर फोटोशूट भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा और वीडियोज़ भी बन रही है। और आपको दिखाता हूँ पहाड़ी किले। तो ये यहाँ के किले, इसके फेवरेट क्या लग चाह छोटी थोरी क्या कर रही है? गर्दन ऊपर क्यों कर रही है? एटीट्यूड है। धुआं निकाल ले, धुआं। अब पी कहाँ से रहा है? रहता उसको एक फुकमार भाई, निकाल। अब नाक से निकाल, नाक से। वो तो करा इससे छल्ले बनवा दे। छल्ले 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 बना, ये यार जमा करता हूँ। हाँ देख, उसने दूध भी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक। पर एक बहुत पुराना स्कूल है, ये बंद हो चुका। अब बंद हो गया ना ये? अच्छा, हेम पढ़ा है यहाँ, हेम सगा पुराना स्कूल। तब बनाए ये स्कूल, तो इसके आमा ग्राम प्रधान थे। देखते लगते सारा पीछे से। तो हेम जा रहा है अपने गांव में, मतलब अपने स्कूल में वीडियो बनाने के लिए। बहुत पुराना स्कूल, एक किलमोड़ के पेड़ है। हाँ, इसमें किलमोड़ी लगते हैं गर्मियों में, अभी लगे नहीं है। अच्छा, ये कांटे वाले ना? हाँ। तो गाइस, इसकी बात हो रही है। ये बातें तो ऐसी कर रहे हैं जैसे उसको कुछ पता नहीं होगा। है ये पहाड़ा किलमोड़ है। अरे हर जगह स्टार्ट कहाँ? इतने बड़े चीड़ के पेड़ नहीं देख रहा। और ये पीरू है इनका। ये चीड़ के पेड़ से गिरता है, हरे हरे जो है ये गिर के सूख के ऐसे बन जाते हैं। हाँ। और सबसे छोटा चीड़ का पेड़ दिखाऊं आप लोगों को? ये है, फिर से गिर। ओ शिट। तो हम जा रहे ऊपर को और यहाँ से थोड़ा पक्का रास्ता, मतलब वहां से पक्का था पर यहाँ पे थोड़ा सीमेंटेड न्यू है। अभी ऊपर देखना पत्थर लगे हैं टाइल्स से। तो आंटी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? क्या ये पहले खाली था पत्थर का? हाँ। वैसे ही बना था। अच्छा। फिर गांव में सबने पैसे जमा करे। हाँ। झाड़ू पैसे जमा करके मंदिर बनवाए। अच्छा। रोड बनवाई, अब यहाँ पुजारी है। अभी भी रहते ऊपर? हाँ अभी गए, अभी होंगे। अच्छा, कहेंगे होंगे। तो चलिए देखते हैं ऊपर जाके कि कैसा है। मंदिर पहुंचने ही वाले हैं बस। बहुत चढ़ाई के बाद वो नीचे से हम ऊपर पहुंच चुके हैं। तो कुछ ऐसा है मंदिर, कितना सुंदर मंदिर है। चप्पल खोलो, बहुत ऊंचा है। तो बाकी के दोस्त आ रहे हैं पीछे से। हम पहुंच गए मंदिर ऊंचाई में, सबसे टॉप में।
और यहाँ पे भी मंदिर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो मेन मंदिर तो ये है ना। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने ऊपर आ गए हैं आगे से, वो बहुत ऊपर आए हैं। तो ये है मंदिर, पूरा टाइल्स लगी हुई है। इसको जलाने पहले तो बहुत बड़े पुजारी और पुजारी ने बना के दिया सांप जैसा। तो एक पुजारी वहाँ पे बैठा है अकेले हाथ जोड़ के। पूरे जोरों शोरों से घंटियां बजाते हुए यहाँ पे पूरे दम निकाल के। कितने टाइम बाद आ रहे हो मंदिर? यार मेरे को कितने साल हो गए यहाँ, अब आ रही हूँ मैं मंदिर में। अब देखने भगवान की इच्छा होगी, फिर बुलावा होगा मेरे को, तब आई मैं यहाँ। तो कैसा लग रहा है आके? आके बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम दर्शन करके नीचे की ओर आ गए हैं। ये विभूति लगाई नहीं है उसने, दर्शन करके नीचे को आ गए हैं। हाँ आ गए गाइस, हम नीचे को आ गए। तो फिर से वही चढ़ाई नीचे को उतरनी पड़ेगी जैसे हम चढ़ के गए थे। ढाल हो गई है, तली हुला रहे को, तली उगाओ तो गाइस आपको अगर पहाड़ी समझ में नहीं आ रही तो हिंदी में सब टाइटल दूंगे, पहाड़ी में समझना चाहिए। हाँ धूप हो रही, बढ़िया सुंदर है, सुंदर। बहुत देर में धूप आती है, लोग तो यहाँ अंधेरे में काम करने चले जाते जंगलों में, और ठंडा बहुत होता है सुबह के टाइम पे। अभी तो ठीक हो रहा है, एकदम धूप खिली पड़ी है। और समय हो रहा है, कितना हो रहा है समय? मैं है 10 बजने वाला है, बस 4 मिनट बचे हैं। तो हम नीचे की ओर उतरते हुए फिर जाएंगे घर की तरफ। हल्द्वानी जा रहे हैं, आज थोड़ा भगवान के दर्शन कर लेते सोचा सुबह, उसके बाद अब सीधा हल्द्वानी मिलेंगे आपसे। थोड़ा रास्ते का सफर दिखाएंगे, व्यू दिखाएंगे रास्ते का गाड़ी से, और फिर चलते आंटी उल्टी करते हुए दिखाएंगे। तो अभी तो ठीक हो रहा है, अभी समय 10 बजे सीधा निकलते हैं हल्द्वानी के लिए। 6 घंटे तो लग ही जाते हैं, 6 घंटे तक हम घर पहुँच जाएंगे, तो बने रहना हमारे साथ। तो स्कूल का कुछ ऐसा हाल हो गया है? कैसा हाल हो गया आंटी? ऐसा हाल हो गया है। तो देखिए कैसा हाल हो गया है। स्कूल है, सरकारी स्कूल है, गाइस ऐसे बना रखा है यहां गांव के स्कूल में, ऐसी तो गवर्नमेंट स्कूल की हालत कुछ ऐसी है। ऐसे हालत हो रही है स्कूल में, कल कर पुरवा रहे हैं। यहाँ इतना अच्छा था पहले, यहाँ पढ़ाई होती थी अच्छे से, बच्चे पढ़ के, पर ऐसी हालत हो गई है ऐसे स्कूल की प्यारे से। अब बगल में पढ़ते हैं बच्चे उस तरह, देखिए आवाजें आ रही बस बच्चों की, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हम, चलते नीचे की ओर। हाँ उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चलते हैं। गलत कर रही तुझे, एक ही साइड को फूक मारने पर घूमता होगा। अरे अरे घूम जा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है, सॉरी। और पुराने जमाने में, पहले जमाने में कुछ ऐसी खिड़कियां हुआ करती थी, ऐसी खिड़कियां, अब सब हटा दी गई है पुरानी। फिर से पहुंच गए हम चिंटू के पास। देखिए क्या कौन सी मूवी आई थी रे, ऐसी मक्स कुमार की। अरे यार कौन सी मूवी थी, नई मूवी आई थी, बच्चन पांडे। तो उनके कान में कुछ ऐसे टैग लगे रहते हैं इंश्योरेंस का, इससे इंस्पायर होके अपनी आंख में चेंज किया। अच्छा बच्चन पांडे का जो है ना, आंख दिखा तो दी, अब कितनी बार आंख दिखाऊं। उसकी सेज मोड वाली जो नारुतो देखता है उसमें सेज मोड ऐसी आंख होती है, तो सेज मोड जुत्सु है। गेट लगा रही है यहाँ पे, कितना खतरनाक गेट है, बहुत महंगा गेट है, तोड़ सकता है इसको यहाँ पे। एक 1.5 लाख का गेट है ये, यहाँ से गाय नहीं घुसती है। तो यहाँ ऐसे गेट लगाए जाते हैं, जानवर वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ गाय पहले से बंधी हुई है। किसी और भी गाय घुस जाएगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आ गए ऊपर से, नीचे मेन रोड में पहुँच चुके हैं। हम नाश्ता करके सीधा चलते हैं हल्द्वानी की ओर। चलिए मिलते हैं आपको नाश्ते में। 2000 years later टाइम हो गया अपने नाश्ते का, फिर चलते हैं हल्द्वानी की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं भोजन। यस और शुरू हो गया हमारा, और हम चल पड़े हैं। सुबह शुरू हो गया गाइस, ये कहां से मुंह टेढ़ा होने लग गया है, मुंह टेढ़ा हो गया। आंटियां दिखाओ टेढ़ा मुंह। खा के आई, गैस की गोली खा के आई, आज भी खाने को खा। तो हम रुके, रानीखेत पहुंच गए,
और आगे देख के आते दुकानों में कुछ। तो यहाँ पे पकौड़ी नींबू कितने के? 130 रुपए के। और एक कितने का है? 1 किलो। 1 किलो 130 रुपए किलो, तो 50 रुपए किलो। रानीखेत से लिए है वो आगे दुकान से। तो गाइस हम यहाँ खाना खाने के रुके हैं, तो कुछ बताएंगे खाने के बारे में। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? छोले थे यार। टेस्टी थे कि ऐसी? कौन सा नेगी रेस्टोरेंट? तो हेम भाई ने हमें यहाँ पे रुकाया और आंटी वहीं पे कार में बैठी है। हम यहाँ पे खाना खाने और यहाँ का व्यू देखिए, नदी और अम्मा बब्बू वहाँ पे धूप सेकते हुए। टाइम लैप्स से बना रहा है और हाथ से चला रहा है। देखो जरा पूरा व्यू यहाँ का प्यारा, बादल लगे हुए ऊपर आसमान में और धूप काफ़ी जोरों की पड़ रही है। तो यहाँ पर आ गया हमारा खाना। यहाँ का मौसम बहुत तेज हवाएं चलने लगी है, काफ़ी तेज हवा चल रही है और धूल बहुत उड़ रही है। तो एक कैची धाम मंदिर है, यहाँ बहुत भीड़ लगी है। ये मंदिर कम पिकनिक स्पॉट ज़्यादा बना दिया लोगों ने। देखिए गाइस कितना जाम लगा है, भीड़। तो आंटी की कुछ हालत ख़राब है, तबियत भी ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ ली है। तो कुछ व्यू देखिए नीचे कैसा गहरा है, और ये भवाली है। तो यहाँ पर बैठे हुए चाय पीने के लिए। तो आंटी कैसा हो रहा है आपका हालत? हालत तो गाइस मैं घर पहुँच गया हूँ, अपने दोस्त की आंटी लोग भी पहुँच गए। मैं उसके गाड़ी मारी नशेड़ी हरी मैं पहुंच गई घर अपने दोस्त के, वहाँ खाना खा रही हूँ। ये अभी बैठे हैं हम लोग, गाड़ी लगे हैं, हमने गप सप मार रहे हैं। हाँ मेरा लड़का पहुंच गया फिर गाइज। बढ़िया, इसको कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और ये गई थी पहाड़, मैं इधर ही थी यार, मेरे को बहुत याद आ रही थी अपने लड़के के भी, अपने दोस्त के भी। आ गए हम, पहुँच गए यहाँ, पहुँच गए। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो अपना व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। ओके बाय, नमस्कार। बाय 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 जा बाय।